अगली खबर की ओर। पूरे राज्य में जहां गर्मी का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वहीं निमाली कास्ती का पवित्र त्यौहार सनातन धर्म में अच्छा माना जाता है। साथ ही गर्मी और इस पवित्र त्यौहार को मुख्य रखते हुए भवानीगढ़ शहर के निवासी विभिन्न आयोजन करते हैं। शहर में त्यौहार हिस्सों में ठंडे मीठे जो है पानी की छबीले लगाई गई है। इस मौके पर लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। भवानीगढ़ की नीलकंठ कॉलोनी के बाहर युवतियों ने ठंडे मीठे पानी की छबीले लगाई और दूसरी तरफ भवानीगढ़ के मुख्य बाजार में दुकानदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 10 बजे से शाम तक जारी रहा ये सब और शहर के विभिन्न हिस्सों से लोग इस ठंडी मिठाई का आनंद लेने आए। छबील का स्वाद भी उन्होंने चखा। संगरूर से धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। पता भी अत्यंत गर्मी पै रही है ते आज निर्जला एकादशी का दिहाड़ा है। इस दिहाड़े को देखते हुए अज असी छबील लाई है। सवेर की 10 बजे की ये छबील चल रही है। बहुत ही भरपा सू हंगारा मिले तो बहुत जनता इतने आके ठंडे पानी का आनंद मान के लगता कितना कितने गर्मी बढ़ रही है तो पानी की भी जी ज़्यादा जरूरत है लोगों को। देखो जिस तरह कहते ग्लोबल वार्मिंग का इसते इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। गर्मी वो करके बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो वो सारा कुछ देखते दे हुए मद्देनज़र रखते हुए ये जी छबीला लग रही ने चाहे अज तो 2 दिन पहले लगिया ने 4 दिन पहले लगिया ने तो वो यही यही मतलब इसे मकसद मुख रखते हुए छबीला लग रही। ये तो ये कितने लाई थी कि ये साढ़े कदा वाले महल लाई थी। साढ़े सारे मतलब नाल के दुकानदार ने सारे ने इकट्ठे होकर मार्केट वालों लाई है। सारी ये साढ़े जिन्हें भी साढ़े नाल खड़े ने साढ़े दुकान